बिजली कर्मचारियों का करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने के बाद महुआ के सैकड़ों बिजली कर्मचारी भी दो दिन की हड़ताल पर चले गए, जिससे लेकर उपभोक्ता दफ्तर के चक्कर काटकर परेशानी का सामना उठा रहे हैं। वहीं घोटाले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्नाव में भी किया जा रहा है 48 घंटे का कार्य बहिष्कार। आज के कार्यक्रम का 21 बात को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? ये कार्य बहिष्कार 48 घंटे का है, जो कि 18 और 19 तारीख को रहेगा। हम लोग यहाँ पे कीरत सागर महोबा में इकट्ठे हुए हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे, और इसका मेन मुद्दा ये है कि जो हम लोगों का CPF और GPF का पैसा है, जो कि अराष्ट्रीयकृत बैंकों में लगा दिया गया है, जिससे काफ़ी बड़ा पैसा अमाउंट है ये, तो हमारी मांग ये है कि इस घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे लाया जाए। नंबर दूसरा, CBI जांच हो, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है लेकिन अभी तक वो जांच शुरू नहीं हुई है, तो उसको तत्काल अमल में लाया जाए। और तीसरा ये है कि सरकार एक गजट नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे कि कर्मचारियों को ये विश्वास हो चुक जाए कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है और आवश्यकता पड़ने पर उनको मिल जाए। इन प्रमुख मांगों के लेके ये 48 घंटे का कार्य बहिष्कार है। इसके बाद जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार ही आगे कार्यक्रम बढ़ाया गया है। जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी UPPCL में कार्यरत हैं, उनका 2267 करोड़ रुपया यह DHFL में अवैधानिक रूप से इन्वेस्ट कर दिया गया। इसके लिए हमारे तीन मुख्य मांगे हैं कि सरकार हमारे पैसों का गजट नोटिफिकेशन के द्वारा हमको अश्योरेंस प्रदान करे कि यह पैसा सरकार हमें भुगतान करेगी, और दूसरी मांग हमारी इसमें यह है कि जो भी ट्रस्ट के हमारे चेयरमैन थे, जैसे संजय अग्रवाल, उसके बाद आलोक कुमार जो कि अभी हटा दिए गए हैं, इन सब लोगों से भी पूछताछ किया जाए और इनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट का चेयरमैन जो है वही हमारे UPPCL का चेयरमैन होता है। और तीसरी हमारी यह डिमांड है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र में यह साफ तौर पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए, यह कर्मचारियों की जो भविष्य निधि है, जो PF का पैसा है, ये सारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है और वह नियमानुसार है या नहीं।